हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, MRPL मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों के फिनेंशियल रिजल्ट से सेकंड क्वार्टर और हाफ ईयर एंडेड का, जो कि पेश हो चुके। और आज के इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टैंडअलोन फिनेंशियल रिजल्ट से करोड़ में नंबर्स है। इनकम यहाँ पे कंपनी का 28,484 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 35,952 करोड़ था और सितंबर 21 क्वार्टर में 17,771 करोड़ का इनकम था। कंपनी का जो इनकम है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की इनकम बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट्स यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे लॉसेस देखने को मिला, 1789 करोड़ की लॉस हुई है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 2707 करोड़ की प्रॉफिट थी और सितंबर 21 क्वार्टर में 409 करोड़ का लॉसेस था। यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट बहुत ही ख़राब देखने को मिला है। प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट आई, लॉसेज देखने को मिली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। बिकॉज यहाँ पे देखिए तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुआ है, इनकम उतना अच्छा देखने को नहीं मिला, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने के कारण कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट आई है, जो कि 31,060 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेंसेस हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर कंपेयर में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुआ और इनकम उतना अच्छा नहीं हुआ, इसके कारण कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट आई है। EPS भी लॉस में है, यहाँ पे 10.21 रुपीज़ का माइनस में EPS है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो स्टैंडअलोन फिनेंशियल रिजल्ट कंपनी का बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आया है। अगर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को कवर करें तो नंबर्स यहाँ पे करोड़ में दिए गए। इनकम यहाँ पे 28,477 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 35,952 करोड़ था और सितंबर 21 क्वार्टर में 17,771 करोड़ का इनकम था। कंपनी का इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की इनकम बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, शानदार तेज़ी आई है। प्रॉफिट्स यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे लॉसेस हुआ है, जो कि 1779 करोड़ की लॉस है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 2716 करोड़ का प्रॉफिट था और सितंबर 21 क्वार्टर 410 करोड़ का लॉसेस था। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट्स लगातार गिरावट आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर मतलब देख सकते हैं लॉसेस देखने को मिला है, जो कि कह सकते हैं गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट आई है, जिसको मार्केट निगेटिव मिलेगा और कल के दिन इसके शेयर्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। सॉरी गाइस, मंडे के दिन, कल तो सैटरडे है, कल तो मार्केट बंद रहेगी, स्टॉक एक्सचेंज कल बंद है, तो मंडे के दिन इसके शेयर्स में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब हम लोग जो है वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।